अपने आसपास की ताजा तरीन खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली न्यूज झारखंड और घंटे के बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भवनाथपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। भवनाथपुर प्रखंड में प्लास मार्ट कार्यालय का उद्घाटन करते बीडीओ रविंद्र कुमार। भवनाथपुर प्रखंड में प्लास मार्ट कार्यालय का उद्घाटन बीडीओ रविंद्र कुमार ने बुधवार को फीता काट कर एवं नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर बीडीओ ने कहा कि प्लास मार्ट खुलने से यहां के महिलाओं को रोजगार मिलेगा, नारी सशक्तिकरण बढ़ेगा एवं महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगे। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक नीरज कुमार ने बताया कि यह एक JSLPS के माध्यम से चलाया जा रहा है एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार देना है। इसमें सभी प्रकार के घरेलू उत्पादन जैसे आटा, चावल, हल्दी, चना जैसे सामग्री को भी महिलाएं अपने घर में उत्पादन करती हैं, उसे बेच सकती हैं। इस मौके पर मीरा देवी, निरूपा देवी, किरण प्रजापति, परमिला देवी, सीमा देवी, मीना देवी, पुष्पा देवी, संध्या देवी, कंचन देवी, रंजीता कुमार, सोनू कुमार जायसवाल, चेतन नाथ, मनोज कुमार, विष्णु देव यादव, राजेश कुमार, महेश सिंह, रामा सागर चौरसिया सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। मैं नीरज कुमार, प्रबंधक JSLPS भवनाथपुर। आज 2021 को प्लास मार्ट को उद्घाटन किया गया, जिसमें इस प्लास मार्ट के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा निर्मित उत्पाद को प्लास मार्ट के माध्यम से बेचा जाना है। इसमें महिलाओं का सहयोग जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक विकास भी होगा और